आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ जो अपने भारद्वाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं वो अपने साथ आए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अपना थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए ताकि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो यूथ हैं उनको कुछ सर से इस फाउंडेशन के बारे में उनको बता सकें। भारद्वाज फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं अपने ये भारद्वाज सर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के CMD रह चुके हैं, उसके साथ साथ ये और भी 4 PSUs के CMD रह चुके हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। सर स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी जगह CMD रह चुके हैं, आपको धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जो आपने भारद्वाज फाउंडेशन बनाई है उसके पीछे आपका क्या मतलब है, आपका क्या मिशन है भारद्वाज फाउंडेशन का? सर वैसे तो कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उसके अलावा मैंने फाउंडेशन में पोस्ट के जरिए कई बार लिखा भी है। मेरा ये मानना है कि इंडियन यूथ के अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी है। इंडियन यूथ में जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जर्मनी का चांसलर हो, सभी लोगों ने लोहा इंडियन यंगस्टर्स का माना है। मेरा ये सोचना है कि अगर जो ट्रिमेंडस एनर्जी इंडियन यूथ में है, यंगस्टर्स में है, उसको अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो वो वंडर्स कर रहे हैं और वंडर्स करेंगे और इंडिया सुपर पावर बनेगा। इसलिए मैंने सोचा एक भारद्वाज फाउंडेशन का गठन किया जाए, और गठन निस्वार्थ भाव से इस भावना से किया है कि जो सीनियर्स हैं जो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं, CMDs रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं, CEO रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो उनका अनुभव है वो उनके साथ ना चला जाए, वो अनुभव यंगस्टर्स को के साथ वो शेयर करें, ये सोच के मैंने भारद्वाज फाउंडेशन का गठन किया। और मेरा ये मानना है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा यंगस्टर्स को मिलेगा अगर वो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो यंगस्टर्स हैं वो भारद्वाज फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो उनको क्या क्या चीज़, उनकी क्या क्या चीज़ डेवलप होगी फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद? देखो सिद्धार्थ, जैसा कि आपने देखा है कि जो अपना लोगो भी है उसके अंदर मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी प्लस हाई लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर बात करें आज रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड ऑल्सो द ओवर एंड अबव बैच मार्केट सिनेरियो, बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन आजकल कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर है। तो ऐसे मार्केट सिनेरियो में अगर लीडरशिप की टिप मिल जाए और वो भी एक्सपीरियंस लोगों से जिन्होंने लाइफ लॉन्ग काम किया है, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है, या मैनेजमेंट की टिप्स मिल जाए, या स्पिरिचुअलिटी की टिप्स मिल जाए, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब अगर फाउंडेशन की बात करें तो मुझे खुशी है बहुत ही कम समय में आप लोगों के एफर्ट से और जो डिफरेंट पोस्ट मिली है उनको उसने सराहा है, और आज ये 24 दिसंबर से पोस्ट डालना चालू किया है या इस फाउंडेशन की स्थापना हुई, आज मोर देन 620 फ्रेंड्स ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस प्रेम के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ यंगस्टर्स का और मेरे कोलीग्स का जो इससे जुड़ रहे हैं। इसके अंदर टोटल उनको ले, अब बात करें पोस्ट किस तरह की डाली है, पॉजिटिव एटीट्यूड, लीडरशिप की जो जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में इसमें कई पोस्ट मैंने डाली हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके काफ़ी पोस्ट डाली हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसके बारे में भी पोस्ट डाली हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जिनका एक शब्द, अगर एक सेंटेंस अगर कोई ध्यान से सुन ले और अपने जीवन में उतार ले तो शायद जीवन सफल हो जाए, उनके मैं डेली बेसिस पर काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसको मैं यूथ तक पहुँचाऊँ। और उन स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत की अगर बातें वो ध्यान से पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट हो या लीडरशिप हो या स्पिरिचुअलिटी हो या लेटेस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स हों, सभी के बारे में इस फाउंडेशन में डे टू डे बेसिस पे जानकारी यूथ को दी। सर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताएं थोड़ा सा हमारे यंगस्टर्स को,
जो यूथ इससे जुड़ रहा है कि उन्हें भारद्वाज फाउंडेशन से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए उन्हें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, अभी कैसे वो भारद्वाज फाउंडेशन से और इसके सभी जो CMDs वगैरह हैं इनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो ले सकते। वो सिद्धार्थ मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मॉर्निंग में जैसे उठ के मैंने काफ़ी पोस्ट में डेली बेसिस पे इसमें डाल रहा हूँ, सुबह जल्दी एक्सट्रीम में ठंड चल रही है, मुझे खुशी है कि जैसे ही मैं पोस्ट डालता हूँ तो विजिट्स चालू हो जाती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं पोस्ट को, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर फ़ायदा लेना है यंगस्टर्स को तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, पढ़ें और समझें और अपने तक ही अगर उन्होंने रख लिया तो भी जो एम है वो मेरा पूरा नहीं होगा, फाउंडेशन का पूरा नहीं होगा, वो लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और प्लस एक्टिव पार्टिसिपेट करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है जैसे मैंने एक लिस्ट दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस फाउंडेशन के अंदर की इन इन टॉपिक्स को हम लोग फाउंडेशन में कवर करेंगे और मैंने एक सुझाव मांगे कि जितने भी मेरे यंग फ्रेंड हैं वो मुझे लिखे हैं उनको क्या चीज़ें और चाहिए, तो उसमें मेरे पास सुझाव बहुत कम आए या नहीं के बराबर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ये एवॉक सेल्फ को ही वर्क है, निस्वार्थ भावने से किया जा रहा वर्क है, लेकिन अगर यंगस्टर्स के कुछ यंगस्टर्स हैं जो कमेंट दे रहे हैं लगातार इसको पढ़ रहे हैं तो वही हमें मोटिवेट भी कर रहा है। अभी बहुत कम टाइम हुआ है इसको चालू किए हुए, लेकिन अगर जैसे ही इसमें कमेंट्स बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वाकई अगर हम सुबह उठ के या रात को लेट आवर्स में कोई चीज़ बना रहे हैं यंगस्टर्स तक पहुँचा रहे हैं तो वाकई उसको समझ रहे हैं और उसको अपने सर्किल में शेयर कर रहे हैं। फायदे की जहाँ तक सवाल है, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब फ़ायदा उन्हें तब पता लगेगा जब उनकी पर्सनैलिटी में चेंज महसूस करेंगे। आज मैं एक बात बताता हूँ, ये सेंट्रल पार्क आपने मुझे सजेस्ट किया कि सेंट्रल पार्क में आकर के मैं इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कराऊँ, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। आप एक देखें जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, एक मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, हर डॉक्टर उसको बोलता है आप घूमिए, आप घूमेंगे तो आपकी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। कितनी सिंपल एक बात है कि आपको उठ के आना है पार्क में, कहीं भी जो नियर बाई प्लेस है वहाँ घूमना है, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े बीमारियाँ लोग बाग पाल लेते हैं लेकिन घूम नहीं पाते। तो टिप्स छोटी छोटी हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर बार बार उन चीज़ों को समझाया जाएगा फाउंडेशन में और उसको अगर यंगस्टर्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका आत्मसात करेंगे, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और सिद्धार्थ लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट फाउंडेशन के जो भी एक्टिव लोग हैं, हम लोग मिलके कोई पोस्ट बना रहे हैं, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हो, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हिमांशु बहुत जो अभी इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा है, हिमांशु यादव भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इस मेहनत का फ़ायदा तब मिलेगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स और सीनियर लोग इस फाउंडेशन से जुड़ें। क्योंकि मान लीजिए एक पोस्ट बनाई, उसमें जो एफर्ट लगने थे, उस इन्फॉर्मेशन को तैयार करने में जो भी एफर्ट लगने थे वो तो लग चुके हैं, अब उसको एक यंगस्टर पढ़े या उसको 1,000 पढ़े या 1,00,000 पढ़े, ये फ़र्क है। इसलिए मैं बार बार पोस्ट में लिख भी रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स इससे जुड़े हैं वो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करें, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से जल्दी इसको फैलाएं, और जल्दी जब इसको फैलाएंगे ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो दैट विल बी रियली हाईली मोटिवेटिंग फॉर ऑल एक्टिव मेंबर्स इन द भारद्वाज फाउंडेशन एंड विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।